योगेश जी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है और कल क्या कुछ अहम रहेगा उसकी छोटी सी झलक और छोटी सी बातें जो है एक संक्षिप्त में मीडिया के सामने रखी जाएगी। देखिए, जिस तरह से कहा गया था कि सुरजेवाला जयपुर पहुंच चुके हैं, जो कि पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मीडिया का काम देखते हैं और कुशल प्रवक्ता के नाते उनको जाना जाता है, वो आज मीडिया से बातचीत करेंगे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता की मौजूदगी रहने वाली है। किसी में भोपाल मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ओवैसी डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रमाकांत भी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अभी विधिवत तौर पर सब चीजें सामने आएंगी। फरहाल ये जरूर है कि मीडिया दिल्ली से भी बड़ी संख्या में मीडिया पर्सन जयपुर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता जयपुर पहुंच चुके हैं, दिग्विजय सिंह जयपुर आ चुके हैं, मनीष चतरथ आ चुके हैं, सुरजेवाला जयपुर पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के कई सुशील कुमार शिंदे जयपुर आ चुके हैं और अलग अलग राज्यों से अलग अलग बड़े बड़े नेता का जयपुर आगमन जारी है। हरी अनवर जयपुर आ चुके हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तैयारी है दिल्ली को सफल बनाने के मकसद को लेकर और इसके साथ ही एक भव्य कार्यक्रम करने का कांग्रेस का इरादा है। पूरे जयपुर शहर को कांग्रेस के रंग में रंगा जा चुका है। चारों तरफ राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट जयपुर में हमें नजर आ रहे हैं। गुलाबी नगरी के अंदर छोटी काशी जिसे कहा जाता है, वहां पर कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या कहते हैं, पहली बार राष्ट्रीय रैली इस तरह की यहाँ पर हो रही है। आमतौर पर दिल्ली में ही इस तरह के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम नजर आते हैं, लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के शासित राज्य की राजधानी जयपुर के अंदर ये रैली करने का निश्चय किया था। उसके बाद से राजस्थान की कांग्रेस में इस रैली को सफल बनाने के लिए, इस रैली को भव्य बनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी कांग्रेस की राजस्थान की इकाई जुट चुकी थी और उसी सिलसिले में अब लगातार देख सकते हैं तैयारियां जो है वो चरम पर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।